नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में जो 4 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, उसकी सुनवाई पर आइए देखते हैं ताजा खबर क्या है, क्योंकि उसकी सुनवाई कल हो चुकी है। ओआरओपी पर सुनवाई के दौरान सरकार के प्रतिनिधित्व का क्या रुख रहा और ओआरओपी पर अगली सुनवाई कब होगी, तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरा डेवलपमेंट इस वीडियो में क्या क्या कैसे हुआ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया हुआ है इंडियन एक्सर्समैन मूवमेंट तथा हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा, उस पर 4 दिसंबर को जो हियरिंग हुई थी, कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 1 मई 2019 को जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जिसमें ऑर्डर पास किया गया था माननीय कोर्ट द्वारा, जिसमें कहा गया था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं उनको दूर करें और जो सरकार द्वारा एक्शन लिया जाता है उसका एफिडेविट सबमिट करें। दोस्तों, कोर्ट में सरकार की तरफ से जो काउंसिल एफपीयर हुआ, उसने कोर्ट से और समय मांगा भारत सरकार द्वारा एक्शन जो लिया जाता है उसका एफिडेविट सबमिट करने के लिए, जिसके लिए माननीय न्यायाधीश एग्री हो गए और कहा है कि भारत सरकार को 2 हफ्ते के अंदर अंदर एफिडेविट देना होगा। कोर्ट ने निर्देशित किया कि जो अगली केस की सुनवाई होगी वो 13 जनवरी को होगी, जिसके लिए केस को लिस्टेड कर दिया गया है। इस सारी सुनवाई के दौरान हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैन्य कर्मी कोर्ट परिसर में उस वक्त मौजूद रहे जहां ओआरओपी का डिस्पोजल के लिए हियरिंग चल रही थी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओआरओपी का सेकेंड रिविजन 1 जुलाई 2019 से होना था, लेकिन उससे पहले ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वारू का रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों सरकार मामले को उलझा रही है। और कमेटी गठन के समय 1 महीने का ही समय दिया गया था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई है। लगता है कि अब मात्र एक सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग टेंटेटिवली 13 जनवरी को होने वाली है। तो दोस्तों, ये था लेटेस्ट अपडेट वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में। जो भाई इस केस की स्टडी करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर केस की स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।